नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। गौरव चंदेल हत्याकांड अब मिस्ट्री बनता जा रहा है, क्योंकि अब तक पुलिस सिर्फ लकीर पीटती दिखाई दे रही है। मानो जैसे पुलिस को खुद इंतजार हो कि गौरव के हत्यारे आएं और सरेंडर कर दें। अगर आप भी यूपी पुलिस से किसी तरह के इंसाफ की उम्मीद रखते हैं तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस की बड़ी नाकामी, गौरव हत्याकांड का खुलासा बड़ी चुनौती। कहां फेल हो रही है यूपी पुलिस? क्या हाईटेक पुलिस ने हार मान ली? कातिलों का क्यों नहीं मिल पा रहा सुराग? हत्यारों की गिरफ्तारी में कितना वक्त बाकी? गौरव हत्याकांड के बाद उठ रहे ये वो सवाल हैं जो गौरव का परिवार पूछ रहा है, पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि आखिर जो यूपी पुलिस अपराध रोकने के बड़े बड़े दावे करती है, वो 6 जनवरी के बाद से अब तक गौरव के हत्यारों को क्यों सलाखों के पीछे नहीं भेज पाई? वो भी तब जब सिर्फ गौतम बुद्ध नगर पुलिस ही नहीं, गाजियाबाद पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स भी इस केस में जुटी हुई है। गौरव हत्याकांड में शुरुआत से लापरवाह बनी पुलिस अभी तक लापरवाह है, और इसी तरह की एक और वारदात सामने आने के बाद ये बात और पुख्ता हो चुकी है, क्योंकि गौरव के हत्यारों ने गाजियाबाद के कवि नगर से जिस कार को लूटा था वो भी उसी जगह से बरामद हुई है जहां से ग्रेटर नोएडा के गौरव चंदेल की कार बरामद हुई थी। इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर गौरव चंदेल की सेल्टोस गाड़ी की है, जो 14 जनवरी को गाजियाबाद में मसूरी के आकाश नगर इलाके से बरामद हुई। इसी जगह से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर गाजियाबाद के चिराग अग्रवाल की टियागो कार मिली है, जिसे अपराधियों ने गौरव की कार खड़ी करने से पहले कवि नगर से लूटा था। 6 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में गौरव चंदेल नाम के शख्स की हत्या करके उसकी कार लूट ली गई थी। गौरव चंदेल की कार 14 जनवरी को गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के आकाश नगर में मिली थी, लेकिन एक सीसीटीवी ने यह साबित कर दिया था कि कार छोड़ने से पहले बदमाशों ने एक कार और लूटी थी। वो ये कार है टाटा टियागो, जो चिराग अग्रवाल की थी, जो लूटी गई थी। और ये गाड़ी आज जहाँ गौरव चंदेल की कार खड़ी मिली थी उससे कुछ दूरी पर खड़ी मिली है, तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर खड़ी मिली है। इस गाड़ी के मिलने के बाद सवालिया निशान गाजियाबाद पुलिस, गौतम नगर पुलिस और एसटीएफ पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन पुलिस का यह दावा था कि हमने इस पूरे इलाके को सील ऑफ किया हुआ है, कार्डन ऑफ किया हुआ है और हम बदमाशों पे पैनी निगाह रखे हुए हैं। इस लूटी हुई कार की सीसीटीवी तस्वीरों में एक शख्स भी कार से उतरता नजर आ रहा है। जो गौरव के गुनहगारों में से एक हो सकता है, लेकिन बरामद हुई इन गाड़ियों ने पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब वारदात के बाद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को किले में तब्दील कर दिया गया था तो गौरव के हत्यारे उसी कार में कैसे घूमते रहे? आखिर कैसे पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी एक और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी? गौरव के हत्यारे बेखौफ कैसे घूमते रहे? पुलिस चौकन्नी थी तो कैसे फिर की लूट? कार लूटने से इन्हें छोड़ने तक कहां थी पुलिस? गौरव हत्याकांड के बाद लगातार मिले सुरागों से इतना साफ है कि गौरव के हत्यारों के सामने जांच टीम घुटने टेक चुकी है, क्योंकि गौरव के गुनहगार पुलिस की नाक के नीचे वारदातों को अंजाम देते चले गए और बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस अभी तक सिर्फ लकीर पीटती नजर आ रही है।
क्राइम ब्रांच की टीम और कबीरनगर की दो टीमें और थाने की अन्य टीमें लगी हुई थी उनकी बरामदगी के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। इसी क्रम में ये गाड़ी लावारिस अवस्था में देखी गई थी जिसकी निगरानी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। आज उसको ला करके हमारी कबीरनगर की टीम के द्वारा दाखिल किया गया है, सीज किया गया है मुकदमे में, जिस मुकदमे में ये वांछित थी। इसके अतिरिक्त हमारी टीमें अभियुक्तों की तलाश में है, शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस भले ही खुलासे का दावा कर रही हो लेकिन गौरव के हत्यारों ने पुलिस और एसटीएफ को खुली चुनौती दे दी है कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ। सूत्रों की माने तो पुलिस गौरव की हत्या के पीछे किसी बड़े गैंग की तरफ इशारा कर रही है जिसमें टॉप पर मिर्ची गैंग का नाम आ रहा है जो अक्सर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि ये जो बदमाश है आशु उर्फ धर्मेंद्र उर्फ परवीन, ये इसी थाना क्षेत्र के गांव काजीपुरा का रहने वाला है और जो एबीपी गंगा को पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक गौरव चंदेल हत्याकांड में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इसके गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया हो। हम आपको बता दें कि गौरव चंदेल की जिस तरीके से हत्या की गई और उनकी कार लूट ली गई, आशु गैंग का जो काम करने का तरीका है वो ऐसे ही है। 2011 के आसपास आशु गैंग जो है वो अस्तित्व में आया था, उसने अपने भाई भोलू के साथ मिलकर इस गैंग को शुरू किया था। थोड़े दिनों में ये मिर्ची गैंग के नाम से जाने लगा। पुलिस ने मिर्ची गैंग के सरगना आशु की तलाश बेशक तेज कर दी है लेकिन चिराग अग्रवाल की कार बरामद होना भी बड़ा पुलिस फेल्योर है जो सवाल खड़े करता है कि आखिर कब पकड़े जाएंगे गौरव के कातिल। अब बात करें पूरे केस की तो 6 जनवरी को गौरव चंदेल की हत्या हुई। परिवार का पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा, कई पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई तो नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कबीरनगर से हत्यारों ने एक और कार लूटी। 14 जनवरी को गौरव की कार बरामद हुई। कार की फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कार के बाहर गौरव को गोली मारी गई। कार से गौरव के हत्यारों के फिंगरप्रिंट्स मिले। राहगीर पर गौरव का मोबाइल मिला। पुलिस की लूट की थ्योरी पूरी तरह फेल साबित हुई। अब लूटी हुई कार भी बरामद हो गई। यानी कि साफ है कि गौरव की हत्या के बाद भी अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती देते रहे। और पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ रखे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती रही। जिससे सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर कब पुलिस के हाथ गौरव के कातिलों की गर्दन तक पहुंचेंगे। गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और ये गाड़ी वहीं खड़ी है जहां गौरव चंदेल की कार मिली थी। इस गाड़ी की छानबीन करने के लिए जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहां आ चुके हैं लेकिन एक बार इस गाड़ी के मिलने से ये फिर साबित हो गया है कि बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और पुलिस बदमाशों तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है। विपिन तोमर, एबीपी गंगा। चलिए बात करते हैं अस्थाई गौशालाओं में हो रही गोवंश की मौत की। बेसहारा पशुओं के रखरखाव के लिए यूपी सरकार ने प्रदेश भर में अस्थाई आश्रय स्थल बनवाए ताकि सड़कों पर भटकने वाले गोवंश को एक जगह पर रखा जा सके। लेकिन देखभाल नहीं होने से अब ऐसी गौशालाओं में गोवंश की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला बलिया जिले से सामने आया है, वहां पर अस्थाई गौशाला में कई गायों की मौत हो चुकी है। बलिया से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। सरकारी गौशाला में गायों की दुर्दशा जारी। पशु आश्रय केंद्र में दम तोड़ते जा रहे गोवंश। गौशाला में कदम कदम पर गायों की दुर्दशा के सबूत। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है शहरों और गांवों में लाखों की संख्या में भटक रहे आवारा और बेसहारा जानवर। बलिया में ऐसे ही तमाम बेसहारा जानवरों की देखरेख और उन्हें एक जगह पर रखने के लिए
प्रशासन ने बैरिया तहसील में पशु आश्रय स्थल बनवाया था, लेकिन पशुओं की देखभाल का उचित इंतजाम न होने की वजह से आज ये आश्रय स्थल यहाँ रखे गए गोवंश के लिए ही कब्रगाह साबित हो रहा है। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने गौशाला में गोवंश की दुर्दशा को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला ये था कि मैं मुरली छपरा से जैसे ही मैं बहरिया की तरफ आ रहा था, तो वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा तो देखा कि पशुएं मरी हुई थी, और एक इम्प्लॉई था वहाँ पे बलदेव नाम का, बलदेव से मेरी बात हुई तो वो बता रहा था कि यहाँ पे एक महीने के अंदर कम से कम 15 पशुएं मर चुकी हैं, तो इनका कोई देख रेख नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रधान जी की, उन्होंने बताया कि प्रधान की ये जिम्मेदारी है कि प्रधान इसको आए और प्रधान हटाए, लेकिन प्रधान से फोन वार्ता करने प्रधान कह रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं है वहाँ पे, कुत्ते खा रहे थे। बलिया के इस पशु आश्रय स्थल में दिख रहे गड्ढे इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ रखे गए पशु लापरवाही की वजह से एक एक कर मरते जा रहे हैं, और उन्हें या तो दफना दिया जा रहा है या फिर उनके शवों की दुर्दशा हो रही है। मौत के बाद भी पशुओं का शव खुले में पड़ा रहता है और कुत्ते या अन्य जानवर शवों को नोचते रहते हैं, लेकिन आश्रय गृह में पशुओं की देखभाल के लिए तैनात सरकारी कर्मचारी से जब पूछा गया कि यहाँ कितने जानवर हैं, तो उसने बताया कि लिखित तौर पर 90 पशु हैं, लेकिन असल में यहाँ 120 पशु हैं, और अब तक सिर्फ एक जानवर की मौत हुई है जिसे कुत्तों ने नोच डाला था। अभी यहाँ पे कितने पशु हैं? इसमें अभी सर 120 पशु हैं। अच्छा, और जो लिखित रूप में दिया गया है वो कितने पशुओं को? लिखित में 90 पशु। 90 पशु। पहले रिटर्न में कितना दिया गया, लिखित में कितना पशुओं को नाम दिया गया था? लिखित में सर संख्या जो है पहले 130 था सर, तो जिसमें कितने महीने पहले? लगभग 2 महीने पहले सर। 2 महीने पहले। और कितने पशुओं की मृत्यु हो गई है यहाँ पे? मृत्यु सर कहाँ मृत्यु, एक जो कल दिखाई दिया वही हुआ था सर। दरअसल ग्रामीण इलाकों में ये जानवर किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि इन दिनों बड़ी तादाद में भटकने वाले आवारा पशु किसानों के खेतों को अपना निशाना बना रहे हैं, और जानवरों का ये झुंड सैकड़ों बीघा फसल या तो चर जाता है या फिर उसे रौंद देता है। इसीलिए बेसहारा गोवंश की देखरेख के लिए पूरे प्रदेश में सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन यहां पर सरकारी योजनाओं को खुद प्रशासन के ही कर्मचारी और अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। मैंने सबसे पहले वहाँ की जो बलदेव जी जो थे वहाँ के, तो उनसे बात हुई, उसके बाद प्रधान जी से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम से वार्ता करने पर एसडीएम कह रहे हैं कि वो हमारे अंडर में नहीं आता है, वो सीडीओ और वीडियो जानते हैं, और बोले कि हमारे पास टाइम नहीं, हम कल आके उसको देखेंगे। हालांकि इस बारे में जब स्थानीय लोगों ने एसडीएम से शिकायत की तो उनका कहना था कि किसान खुद अपने बीमार पशुओं को लाकर आश्रय स्थल पर छोड़कर चला गया, लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो प्रशासन ने पशु को दफनाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन देरी होने की वजह से गौशाला में जानवर घुसाए और शव को नोच डाला। गौशाला वाले लोग कह रहे थे कि ये बीमार है और इसको ले जाइए, लेकिन वो छोड़ के चला गया, वो रात में मर गया। रात में प्रयास किया गया कि जेसीबी वगैरह मिल जाए और इसको खुदवा के गड़वा देते हैं, जालों का दिन है देख ही रहे हैं, जेसीबी मिली नहीं, और ऐसी जो है बाउंड्री बनी नहीं है कि जो है जानवर उसमें न घुस पाए, तो वो तार वार के बीच से जो है एक दो कुत्ते गए उसको फाड़ दिए थे। चूक तो हुई है, लेकिन चूक परिस्थितियों बस हुई, ऐसा नहीं कि लापरवाही किया गया, जेसीबी न मिलने के कारण जो है वो थोड़ा लेट हो गया, और उसी में जानवरों की स्थिति आप देख रहे हैं, चूक हुई है, लेकिन जानबूझ करके किसी ने चूक नहीं किया। और मैं खुद गया जाकर के अपने सामने ही जो है जेसीबी वगैरह का सत्यापन कर लिया कि वास्तव में यहाँ से हटाए हैं या फर्जी रिपोर्ट दी है, तो देखा गया तो कुत्तों ने जो है उसको फाड़ दिया था, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन जानबूझ करके किसी ने नहीं, वो तार फेंसिंग हुई है उसी के बीच से जो है कुत्ते चले गए, हटाया भी गया, डांटा भी गया, कुत्तों को भगाया भी गया, लेकिन जो नुकसान वो थोड़ा बहुत करना था वो कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब गौशाला को लेकर प्रशासन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और लीपापोती में लगा हुआ है, जिसकी वजह से आश्रय स्थल बनने के बाद भी बेसहारा पशुओं को लापरवाही के चलते जान गंवानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
लखनऊ डिफेंस एक्सपो की तैयारियां तेज हो गई हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मौके पर पहुंचे और अफसरों को तैयारियों को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे और लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी मौजूद रहे। डिफेंस एक्सपो को लेकर लखनऊ में तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे, एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत समेत तमाम अफसरों को यहां पर बुलाया गया है। किस तरीके से तैयारियां हैं, कहां पर अभी कमी रह गई है, इसको खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर के अफसरों ने सभी विभागों के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो या नगर विकास के अधिकारी या बिजली विभाग के अधिकारी, कहां पर कमी रह गई है उनको पूरा किया जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सारी कमियों को तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए। अपर अवनीश अवस्थी ने तमाम ऐसे निर्देश दिए हैं, ट्रैफिक को लेकर के निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, क्योंकि न सिर्फ इस डिफेंस एक्सपो में देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम ऐसे डेलीगेट्स आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी और ये पहली बार होगा जब हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में एक न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि बाहरी देशों से भी लोग आएंगे और डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश होगी और जो कि लखनऊ से शुरू होगी। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन इस बड़े मौके को लेकर कोई भी प्रशासनिक कमी या चूक नहीं करना चाहता। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और अब बात हौसले की उस उड़ान की जो कई लोगों के लिए साहस और हिम्मत की जीती जागती मिसाल है। इटावा में ऐसे ही एक बच्चा बिना हाथ के बाद भी न सिर्फ बाकी बच्चों की तरह पढ़ लिख रहा है बल्कि और भी कई ऐसे काम कर रहा है जिसे देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहावत है कि इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में होती है, लेकिन जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है। इस बात को असल जिंदगी में सच साबित कर रहा है अपने पैरों से सवालों के जवाब लिख रहा इटावा का 13 साल का अबू हमजा। सातवीं क्लास में पढ़ने वाले अबू हमजा के हाथ नहीं है, लेकिन अपने साथ हुए हादसे के बाद अबू ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, जिसकी तस्दीक कर रही है अबू की ये तस्वीरें। ये तस्वीरें इटावा के उसी स्कूल की हैं जहां 13 साल का अबू हमजा पढ़ाई करता है, ठीक उसी तरह जैसे स्कूल के बाकी बच्चे पढ़ते हैं। क्लास में सबसे आगे के बेंच पर बैठने वाले अबू को पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना होता, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। क्लास में जहां सारे बच्चे हाथों से नोट्स लिखते रहते हैं, तो अब वो अपने पैरों के जरिए पेन से नोट्स बनाता है और उसमें उसे जरा भी मुश्किल नहीं होती। हालांकि अगर किसी काम में उसे मुश्किल होती भी है तो अबू की मदद क्लास में उसके दूसरे दोस्त कर देते हैं। जैसे लंच के बाद अबू अपने इस साथी की मदद से खाना खा लेता है। जब तुम स्कूल नहीं आते हो तो फिर अबू को खाना कौन खिलाता है? हमारे और दोस्त हैं, वो खिला देते हैं। अच्छा, सभी लोग मिलजुल के हेल्प करते हैं। 5 साल की उम्र में एक हादसे में करंट लगने की वजह से अबू को उसके दोनों हाथों को गंवाना पड़ा था, जिसके बाद उसके परिवार ने इलाज के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन जब उसके दोनों हाथों में हरकत नहीं हुई तो अबू के पिता ने उसका उत्साह बढ़ाया और आम बच्चों की तरह ही उसी स्कूल में पढ़ाने की ठानी। अब जज्बा तो इसलिए और आगे आया कि अब इसके आगे भविष्य का मामला है, भाई हम लोग कब तक हैं, उसके आगे इसको अपनी पूरी अभी लाइफ जीनी है। अब एक ही रास्ता है कि इनको पढ़ाया जाए, पढ़ाने के बाद में कोई नौकरी वगैरह अगर कोटे वगैरह से मिल जाती है तो इनका आगे आने वाले भविष्य अच्छा हो सकता है। तो यही हमारी कोशिश रही है, इनको हौसला बढ़ाया और इन्होंने भी कोशिश की और जिससे कि अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है बराबर जा रहा है स्कूल
और अटेंशन भी अच्छी है, मतलब नागा भी नहीं होता है। हालांकि इस दौरान स्कूल प्रबंधन भी पशुपेश में पड़ गया कि आखिर बिना हाथों के अबू बाकी बच्चों की तरह कैसे पढ़ लिख पाएगा। लेकिन आज अबू हमजा न सिर्फ स्कूल के बाकी बच्चों की तरह ही पढ़ाई लिखाई करता है, बल्कि हर विषय में बाकी बच्चों से अच्छा प्रदर्शन भी करता है, फिर चाहे वो लिखना पढ़ना हो या कंप्यूटर की क्लास हो। और अबू के टीचर भी उसके काबिलियत का लोहा मानते हैं। इनमें और बच्चों में कुछ फ़र्क नहीं है, बल्कि ये और चाइल्ड से बहुत ज़्यादा स्पेशल ही है, क्योंकि और बच्चे प्रॉपर हैंड एंड लेग से वर्क करते हैं, ये बाय लेग इतना अच्छा वर्क करते हैं कि वो जो हैंड से भी नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग भी इनसे गंदी है, प्रॉपर कीबोर्ड भी इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये बिना देखे आराम से कीज़ को यूज़ कर लेते हैं बाय लेग, इनको ज़रूरत नहीं है कि कुछ बच्चे कीबोर्ड पर देख कर टाइपिंग करते हैं, ये बिना देखे लेग से टाइपिंग कर लेते हैं, बहुत प्रॉपर वर्क हर वे से अच्छे से कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अब वो बगैर हाथों के रोजाना खुद एक खास तरह के साइकिल चलाकर स्कूल जाता है। अबू की इस साइकिल को इजाद किया है उसके भाई ने, लेकिन इसके पीछे भी अबू का ही दिमाग है। ये साइकिल आम साइकिल की तरह ही चलती है, लेकिन इसमें हैंडल की जगह एक लंबी स्टेयरिंग लगाई गई है, जिसे अबू अपनी छाती की मदद से नियंत्रित करता है। इसके अलावा भी अबू अपना लगभग हर काम खुद ही कर लेता है और बहुत कम कामों में ही दूसरों की मदद लेता है, और इसके लिए अबू के परिवार के